अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक टाइप 1 है, जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और दूसरी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। देखिए यहां पर एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, तो सही ये लीनियर है, और यहां पर एक्स टू रेस पावर 2 है, वाई टू रेस पावर 2 है, यहां पर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 और 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से या तो x की वैल्यू निकालते हैं या y की, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो चाहे यहां पर हम x की वैल्यू निकालें चाहे y की, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। 3x 1 को इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, ये माइनस 2y इक्वालिटी की उस तरफ जाके प्लस 2y, अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस y ओवर 2, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं। क्योंकि ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो इसको हम 1 में पुट नहीं कर सकते, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट जहां पर x आ रहा है वहां पर हम उसी तरह लिखा रहने देंगे x स्क्वायर ही, प्लस आगे x की जगह भी x आ रहा आ जाएगा, y की जगह y की हम वैल्यू पुट करेंगे विच इज 3x माइनस 1 ओवर 2, आगे माइनस y का स्क्वायर है तो 3x माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस यहां पर ये x मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो ये 3x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा ओवर में 2 माइनस, यहां पर क्योंकि ऑन होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले दो टर्म का भी स्क्वायर है और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर है, तो ऊपर a माइनस b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बनेगा, माइनस 2a भी आता है तो 2 3 टाइम्स 6x और 1 टाइम्स 6x 6x ही रहता है, तो यहां पर माइनस 6x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर में 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 4 है तो ये 4 रिमूव करने के लिए हम होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, जब यहां पर हम 4 लिखेंगे तो 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x के साथ माइनस, यहां पर जब हम 4 लिखेंगे तो 4 4 से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और राइट साइड में जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 4 ही आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x, यहां पर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, 4 को इक्वालिटी के साइड पर लेकर आते हैं माइनस 4 इक्वल टू 0, तो प्लस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 6x स्क्वायर है, प्लस का 10x स्क्वायर बनेंगे, माइनस का 9x स्क्वायर है तो प्लस का 1x स्क्वायर रह जाएगा, इसी तरह माइनस का 2x प्लस का 6x तो ये प्लस का 4x और माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x, इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 4x बनता है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 5x स्क्वायर बनता है, सो फैक्टराइजेशन इसकी इस तरह हो जाएगी, इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा,
इन दोनों टर्म में से माइनस वन कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इधर x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो होगा और x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर जीरो हो तो दोनों में से एक टर्म या दोनों टर्म जीरो होती हैं। तो x की एक वैल्यू निकलेगी माइनस फाइव और x की दूसरी वैल्यू निकलेगी वन। अब ये दोनों वैल्यूज बारी बारी हम इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। तो व्हेन x is equal to minus 5, 3 implies, 3 में हम y is equal to 3, x की जगह हम minus 5 रखेंगे, minus 1 over में 2 है, तो ये 3, 5 times minus 15 over minus 1, minus 16 over 2, तो ये कैंसल आउट होके y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस एट। तो जब x माइनस फाइव था तो y की वैल्यू आई माइनस एट, तो पेयर बनेगा माइनस फाइव माइनस एट। इसी तरह when x इज इक्वल टू वन, दूसरी x की वैल्यू वन थी तो थ्री में पुट करेंगे जब, तो थ्री इंप्लाइज y इज इक्वल टू y is equal to 3, x की जगह 1 आएगा, 3 into 1 और साथ में minus 1 है over 2, तो y आ जाएगा 3, 1 time 3 minus 1, 2 over 2, तो ये cancel out होके 1, तो दूसरा pair बनेगा, x की value 1 है तो y की value भी 1 आई, so solution set आ जाएगा माइनस फाइव माइनस एट और इसी तरह वन और वन। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम टाइप वन का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसको नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे।